नमस्कार बंधु, हम लोगों का टोमेटो फसल जब वीडियो जैसे होता है तब बहुत आनंद लगता है, लेकिन यही फसल जब दो तीन दिन के अंदर बाएं वाला वीडियो जैसे हो जाता है तब हम लोग परेशान हो जाता है। और ये अच्छा फसल से ये बाएं वाला वीडियो जैसे होने में 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है, और ये होता है टोमेटो का अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट का कारण में। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। अर्ली ब्लाइट मतलब ageti झुलसा और लेट ब्लाइट मतलब picheti झुलसा, ये दोनों बीमारी टोमेटो और पोटेटो पौधा में आती है। तो ये बीमारी कैसे हम लोगों को पौधा में ना आए, या आए भी तो इसको ट्रीटमेंट कैसे करें और इसका पैदावार कैसे मिले, उसी के बारे में आज बात करते हैं। हम लोग विश्वास करते हैं ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे और इसका ट्रीटमेंट जैसे बोला जा रहे हैं ऐसे करेंगे तो आपका फसल ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ageti झुलसा देखने के लिए कैसे होता है। जैसे ये पत्ता को देख रहे हैं, ये छोटे छोटे भूरे या काले धब्बे जैसे देखने के लिए मिलेगा, और ये पौधा का जो ओल्डर लीव्स है, पुराना पत्ता है, उसी में होता है। धीरे धीरे वो धब्बा ऐसे सर्कल आकार का होता है और एक धब्बा दूसरा धब्बा से मिलके इसी टाइप का होता है। धीरे धीरे वो स्टेम और धीरे धीरे फूलों में चले जाते हैं और पूरा पौधा में अटैक कर लेते हैं। पत्ता और फल गिरना शुरू होता है और धीरे धीरे पूरा पौधा को नष्ट कर देते हैं, और इसमें पैदावार 70% तक लॉस होने का चांस रहता है। टोमेटो का ageti झुलसा बीज के कारण में भी हो सकता है और मिट्टी के कारण में भी हो सकता है। ये जब ये सड़ा हुआ पौधा रह जाता है तो वो मिट्टी में रहता है और ये कारण कर देते हैं उसका। इसका कारण में डैम्पिंग अप भी दिखाई देते हैं, कॉलर रॉट में भी दिखाई देते हैं, और धीरे धीरे फल भी सड़ जाते हैं। हाँ बंधु, वीडियो पे स्किप मत करिए प्लीज़, क्योंकि पूरा डिटेल्स जानकारी हम देने का कोशिश कर रहे हैं ताकि ageti झुलसा या picheti झुलसा हम लोगों का पौधा में ना आए। ageti झुलसा का नियंत्रण दो उपाय में होता है, एक है प्रिक्वेशन का तौर पे और एक होता है जब अर्ली ब्लाइट आ जाते हैं उस समय दवा प्रयोग करके। तो शुरुआती स्तर में हम यही बताएंगे, जो बीज आप यूज कर रहे हैं ये रेजिस्टेंट वेराइटी का होना चाहिए और इसको उपचार कर लेना चाहिए। नर्सरी में जब पौधशाला है, पौधशाला में मैनको जब स्प्रे करना है, ये इंडोफिल M45 में मिले। इंडोफिल M45 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना चाहिए। पौधा लगाने के बाद भी इसको 2 बार स्प्रे कर देंगे तो अच्छा है। बीमारी का लक्षण देख गया है तो जिनेब स्प्रे करना है। ये बाज़ार में इंटोफिल Z78 नाम पे मिलता है, ये भी 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना होगा। कॉपर सल्फेट ageti झुलसा में बहुत अच्छा काम करते हैं। कॉपर सल्फेट 2 मिलीलीटर पर लीटर पानी में घोल के स्प्रे करेंगे तो ageti झुलसा में बहुत असर देखते हैं। इस केमिकल को अल्टरनेट करके करके करेंगे तो अच्छा काम करते हैं। ये छोड़ के भी एजेक्टिविन 23% SC जो मार्केट में एमिस्टर नाम पे मिलता है, ये भी ageti झुलसा में बहुत अच्छा काम करते हैं। इसको 1 ग्राम पर लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना होगा। बीमारी का पैथोजन जब रेजिस्टेंट हो जाता है और ये सब केमिकल में काम नहीं करते हैं, उस समय दूसरा केमिकल भी मिलाना पड़ता है। इसके लिए साइमोक्सिलिन और मैनकोजेब का एक मिश्रण मिला के एक मेडिसिन है जो बाज़ार में मोक्सीमेट नाम पे मिलेगा, इसको स्प्रेंग करेंगे तो रामबाण टाइप का काम करेगा। मोक्सीमेट 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना होगा। ये छोड़ के कीटाजिन नाम पे एक दवा है जो 1 मिलीलीटर पर लीटर पानी में घोल के स्प्रे करेंगे तो रामबाण टाइप का काम करता है अर्ली ब्लाइट के लिए। ageti झुलसा कंट्रोल करना आसानी है और स्प्रे करने से हो जाता है, लेकिन सबसे जो मुश्किल काम होता है वो picheti झुलसा को कंट्रोल करना। अभी इसका बारे में बात करेंगे, कृपया अच्छा से सुनते रहिए। बंधु, picheti झुलसा वाला पार्ट बहुत अच्छा से देखना चाहिए, बहुत अलर्ट रहना चाहिए इसी कारण में, क्योंकि इस कारण में 100% तक फसल लॉस हो जाता है। picheti झुलसा का सिम्टम्स बहुत जल्दी नज़र में आना चाहिए, इसीलिए क्योंकि picheti झुलसा का सिम्टम्स देखने का तुरंत बाद ही 3-4 घंटा का अंदर ही ये फैल जाते हैं। जब बादल देखते हैं या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो इस समय फील्ड कम से कम दिन में 3-4 बार जाना चाहिए ताकि सिम्टम्स हम लोगों को नज़र में आए और हम लोग स्टेप्स ले पाए। पत्ता में देख रहे हैं इसी टाइप का मोटा मोटी गोलाकार धब्बा भूरे रंग का होता है और धीरे धीरे ये फैलते हैं, उसके बाद में इसी टाइप का थोड़ा बढ़ते हैं और इसका बाहर में पीला टाइप का एक यूलिस सर्किल तैयार होता है और धीरे धीरे पूरा पत्ता में चले जाते हैं और उसके बाद तना में जाते हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा को सुखा देते हैं और फल तक चला जाते हैं। लेट ब्लाइट का ये जो बीमारी है 3-4 घंटा का अंदर या 1 दिन का अंदर पूरा बागीचा में फैल जाते हैं।
पिछेती झुलसा आ गए और पूरा बगीचा को बचाना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि जिस पौधा में ये बीमारी आ गया है उस पौधा को सावधानी से उखाड़ के दूर किसी जगह पे मिट्टी पे जाके दबा देना है ताकि ये बीमारी दूसरा पौधा तक ना जाए, क्योंकि ये तुरंत फैलते हैं। इसके बाद में तुरंत ही मैनकोजेब स्प्रे कर देना चाहिए जो बाजार में इंडोफिल M45 नाम पे मिलता है। ये 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर देना चाहिए। तुरंत बाद कॉपर सल्फेट को भी यूज किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट 2 मिलीलीटर पर लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना होगा। तुरंत अच्छा काम करते हैं एजोक्सटिबिन जो मार्केट में एमिस्टर नाम पे मिलता है, इसको 1 ग्राम पर लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना होगा। उसके बाद मॉक्सीमेट को भी हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। ये मॉक्सीमेट 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना होगा। ड्यूपेंट इक्वेशन प्रो को भी हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। ये छड़ा अवतार भी एक अच्छा दवा है। बंधु, हम लोग जानते हैं कि टेक्निक के नाम और ये ट्रेड नेम जो बताया जा रहे हैं याद नहीं रहेगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हुआ है और डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है जहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। आपको ज़रूरत है तो उस लिंक पे जाके वहाँ से आप डिटेल्स ले लीजिए। इसको छोड़ के भी सॉयल ट्रीटमेंट के लिए ट्राइकोडर्मा भिरीडी और सुडोमोनास दे के हम लोग सॉयल को ट्रीटमेंट करेंगे तो ये लेट ब्लाइट आने का चांस कम रहता है। तो बंधु, लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट को लेके वीडियो यहीं तक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए। इससे कुछ जानकारी मिला है तो कमेंट बॉक्स में हम लोगों को और जानकारी दीजिए। आप इस चैनल में नया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो को कैसे अपडेट कर सकते हैं और किस टाइप का वीडियो का ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम लोग खुश रहेंगे। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। जय किसान, जय भारत।